खबर सोनीपत से, हरियाणा रोडवेज की बस में लगी आग। बताते चलें कि हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो के वर्कशॉप में खड़ी बस में अचानक से आग लग गई। आनन फानन में कर्मचारियों ने रेड डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर जब तक आग पर काबू पाया तब तक बस जलकर ढांचे के रूप में तब्दील हो गई। एक बस में आग लगने की सूचना मिली और हमारे जो लोकल कर्मचारी थे यहाँ पे ड्यूटी पर, उन्होंने फायरिंग एक्सटिंग्विशर और रेत की बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास किया और इसी दौरान फायर ब्रिगेड से गाड़ियाँ मंगा के आग पे काबू पा लिया गया, जिससे कि और बसों में आग नहीं लग पाई और हमारी इमारत और जो और बसें हैं वो सारे संसाधन जो है नुकसान होने से बच गई।